भरूच जिल्लाना વાલિયા ખાતે ભાજપના પ્રચાર અર્થે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથની જાહેર સભા યોજાઈ હતી. છગડીયા વિધાનસભાના ભાજપના ઉમેદવારના પ્રચાર અર્થે યોગીની યોજાયેલી જાહેર સભામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા, જ્યારે યોગીએ અયોધ્યામાં રામ મંદિરનો ઉલ્લેખ કરી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીને એહી કહા થા 1947 મે જબ દેશ આઝાદ હુઆ થા. उन्होंने उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक सुझाव दिया था और उनका सुझाव था कि समय आ गया है जब कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए. और मैं तो झगड़िया से जुड़े हुए आप सभी भाइयों बहनों से कहूंगा, भरूच वासियों से इस बारे में अपील करूंगा कि समय आ गया है जब इस खंभात की खाड़ी में कांग्रेस को फेंक करके कांग्रेस मुक्त भारत की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को हम साकार करने में अपना योगदान दें. आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, आज गुजरात मॉडल देश के अंदर और दुनिया के अंदर माना जाता है. गुजरात मॉडल विकास का, गुजरात मॉडल लोक कल्याण का, गुजरात मॉडल शांति का, गुजरात मॉडल अराजकता पर विकास और राष्ट्रवाद की विजय का. इस मॉडल को हमें जन जन तक पहुंचा करके पूरे देश और दुनिया के सामने पहुंचाना है और इस देश से हर गुजरातवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए. और मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, झगड़िया के सभी मतदाता भाइयों बहनों से, सभी भरूच के मतदाता भाइयों बहनों से मैं अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी इस क्षेत्र में, जितने भी इस जनपद में विधानसभा सीट है, उन सभी सीटों के बारे में हमें सोचना चाहिए. आप सब जानते हैं